हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर एक और न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आईपीसी के अंतर्गत रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शंस जो दी गई है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट के बारे में, उनके बारे में समझेंगे। इसके अलावा और जो क्या क्या हमें समझना है उन्हें भी हमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी अभी न्यू व्यूअर हमारे साथ इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है, कहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, कहाँ पर ऑफेंस बताया गया है और कहाँ पर उसकी पनिशमेंट डिफाइन है, ताकि हमें एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस चार्ट के माध्यम से मिल जाए। सबसे पहले जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 339 के अंतर्गत। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन क्या होता है, सिंपल शब्दों में मैं आपको कहूँ तो जब किसी व्यक्ति को रोका जाता है किसी कार्य को करने से, या उस व्यक्ति का कहीं से जाने का राइट है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति रोक रहा है, तो उसे हम कहेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन वो कर रहा है जो व्यक्ति उसे रोक रहा है। अब बात करें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बताया गया है सेक्शन 340 के अंतर्गत 340 में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पर बंद कर देना या ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिससे कि वो बाहर ना निकल सके। यानी कि आपने जैसे उसे जैसे ही आप उस व्यक्ति के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हैं, जैसे ही आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके द्वारा किया गया कार्य उसको अपना कार्य करने से रोक रहा है, यानी कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उस जगह से निकलने का, या आप उसे किसी चीज़ से रोक रहे हैं वहाँ से वो अपने कार्य को बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने उसे ऐसा बंद कर दिया है कि अब वो नहीं निकल सकता है। जब टोटली उसे बंद कर दिया जाता है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो निकल सकता है लेकिन आप उसके लिए केवल बाधा बन रहे हो, तो रॉन्गफुली रेस्ट्रेन। अब बात करते हैं पनिशमेंट की, तो सेक्शन 341 बात करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की पनिशमेंट के बारे में, और सेक्शन 342 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट के बारे में। तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है। इसके अलावा कुछ सेक्शन बच गई है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो ये सेक्शन है अच्छे से समझ में आ जाए। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का मतलब होता है जैसे कि आप किसी व्यक्ति को रोक रहे हैं, वॉलेंट्री उसके लिए बाधा बन रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए जो कोई भी बाधा बनता है उसे रोकता है किसी प्रोसीडिंग को करने से, किसी डायरेक्शन में उसके जाने का राइट है लेकिन आप उसे रोक रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो उस पर्सन के साथ रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहे हो। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। ये एक रास्ता है, एक जेड पर्सन है जिसका यहाँ से आने का वे ऑफ राइट है, और जो ए पर्सन है ये उसे यहाँ से जाने के लिए यहाँ पर कूड़ा करकट डाल देता है या यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देता है जिससे इसको निकलने में दिक्कत हो रही है, या इस पूरे रोड को बंद कर देता है यहाँ से, लेकिन इस रोड यहाँ से जेड के पास यहाँ से जाने का भी रास्ता है, तो यहाँ पे ये रेस्ट्रेन कर रहा है ना कि कन्फाइन कर रहा है। अगर सिंगल एक ही रोड है, ये ए पर्सन पूरे रोड को ब्लॉक कर दे रहा है, इसके जेड पर्सन के पास और कोई रास्ता ही नहीं है उसको निकलने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो ये उसे कन्फाइन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे आपको पता होना चाहिए। रॉन्गफुल कन्फाइन का मतलब ये होता है कि आप उसके लिए बाधा बन रहे हो लेकिन आप उसको बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर रहे हो, उसके पास रास्ता है निकलने का फिर भी आप बाधा क्रिएट कर रहे हो, उसे रोक रहे हो किसी ना किसी कारण से। तो ये होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन।
अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है। इस एक्सेप्शन में क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति का अगर कोई प्राइवेट लैंड है, अगर कोई प्राइवेट लैंड है किसी व्यक्ति का, जैसे कि ए ये व्यक्ति है, इसका ये प्राइवेट लैंड है और ये कुछ समय के लिए जेड को मतलब कि यूज करने के लिए दे दे रहा है, इसने यहाँ से रास्ता छोड़ा है ये पर्सन ने अपने यूज के लिए भी, और जेड भी यहाँ से पास ऑन हो जाता है। तो अब जेड पर्सन, अब ए पर्सन अगर जेड को रोकता है तो ये ऐसा नहीं कह सकता कि इसने रॉन्गफुली मुझे रेस्ट्रेन किया। इसी तरीके से किसी व्यक्ति के पास अपना पानी का कोई कुआ है या पानी का कोई रिजर्वेशन उसने उसने किया है और वो जेड को यूज करने दे रहा है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसे नहीं भी यूज करने दे सकता। तो यहाँ पर अगर ए पर्सन जेड पर्सन को रोकता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन नहीं कहलाएगा। ये एक्सेप्शन इसी बारे में डील करती है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे ओवर ए लैंड और ए वाटर विच ए पर्सन इन ए गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू हैव ए लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पर उसका लॉफुली राइट है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने का, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी, प्राइवेट उसका रिजर्वेशन है, प्राइवेटली उसने वाटर को रिजर्व किया हुआ है, तो वहां से उसे वो मना कर सकता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं एक और, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक रास्ता है जिस पर ए पर्सन जो है वो बाधा बनता है जेड पर्सन के लिए, जेड का यहाँ पर जाने का राइट टू वे अवेलेबल है, लेकिन ए पर्सन यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर कुछ कचरा करकट डाल देता है या अपनी गाड़ियां खड़ी कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, जेड को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो उसे रोक रहा है उस रास्ते से निकलने के लिए। तो इसे हम कहेंगे रॉन्गफुली वो रेस्ट्रेन कर रहा है और वो इसके लिए लायबल है। अब हम बात करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में सेक्शन 340 में डिफाइन किया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जो कोई भी रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करता है किसी पर्सन को उस मैनर में, ताकि जो उसकी लिमिट है किसी पर्सन को एक सरकमस्क्राइब लिमिट से बाहर जाने से किसी को रोकना, यानी कि कोई प्रोसीडिंग है उसको करने से उसको बिल्कुल रोक देना, उसे हम कहेंगे रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। यानी कि इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो ये एक कमरा है, यहाँ पर इसका गेट है, ए पर्सन जेड पर्सन को जैसे ही ये इस कमरे में इंटर होता है, जेड पर्सन ए पर्सन बाहर से क्या कर देता है, इसे लॉक कर देता है। तो ए पर्सन ने जेड पर्सन को कन्फाइन किया है, कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया है। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, इसे हम कहेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जैसा कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस किया गया है, ए कारण बनता है जेड के लिए एक वॉल्ड यानी कि एक चार दीवारी के अंतर्गत, जो कि उसे लॉक कर देता है जेड को, इससे कि वो उससे बाहर निकल नहीं सकता, उसे उस दीवार के अंदर एक सरकमस्क्राइबिंग लिमिट के अंतर्गत उसे वहां पर बंद कर देता है, वहां से निकलने नहीं देता। तो ए ने रॉन्गफुली कन्फाइन किया है जेड को। इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई सर्कल है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे व्यक्ति खड़े हैं, सभी के पास गन है और सभी को पता है कि जैसे ही ये यहाँ से भागेगा ये सभी लोग इस पर क्या करेंगे, गोली चला देंगे। या कोई ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ए पर्सन जेड पर्सन को बोलता है कि जैसे ही ये इस बिल्डिंग से बाहर निकलेगा तुझे इसे गोली मारनी है। तो ये क्या कर रहा है, एक पर्सन डायरेक्शन दे रहा है जेड को, लेकिन यहाँ पर ये उसे रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहा है इस एक्स पर्सन को। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ए पर्सन ए प्लेस ए मैन विद ए फायर आर्म एट द आउटलेट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बाहर, इस बिल्डिंग के अंदर ये व्यक्ति है। ए पर्सन ने क्या किया, जेड पर्सन को डायरेक्शन दी, जैसे ही ये व्यक्ति बाहर निकलेगा तुम इसे गोली मार देना, इसे भी ये बात पता है। तो जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश करता है ये उसे मार देता है, यानी कि उसे बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसने रॉन्गफुली उसे कन्फाइन किया है, ए रॉन्गफुली कन्फाइन जेड, जेड यानी कि ये यहाँ पर जेड पर्सन है, ये हम एक्स पर्सन मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट क्या है। अब पनिशमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पनिशमेंट दी गई है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के बारे में सेक्शन 341 में, और 342 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट के बारे में। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 1 month है, 1 month तक बढ़ सकती है आपकी जो इम्प्रिजमेंट है फाइन, जो कि ₹500 तक बढ़ सकता है, या दोनों से आपको लाइबल माना जाएगा। अगर आपको कोई रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट केस करके उसे कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, मैक्सिमम उसको 1 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है फाइन, जो कि ₹1,000 होगा, या उन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में समझा, उनकी पनिशमेंट किस सेक्शन के अंतर्गत दी गई है, यानी कि इस इन सेक्शंस के माध्यम से आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गया है सेक्शन के द्वारा क्या मतलब है। इसके अलावा थोड़ी सी और सेक्शंस बची हैं जहां पर रॉन्गफुली रेस्ट्रेन अगर किया जाता है 2 दिन या उससे ज़्यादा, 10 दिन उससे ज़्यादा, प्रॉपर्टी को एक्सटोर्ट करके अगर किसी को कन्फाइन किया है, सीक्रेटली कन्फाइन किया है, तो तब क्या क्या पनिशमेंट होगी, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या क्वेश्चंस बनते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और कन्फाइन से रिलेटेड, उन्हें भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज भाई जी अमित कुमार के साथ, फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।